आज ऐसे ही वन में आ गए हैं जहां पर रास मंडप है, वहां का दर्शन कराएंगे, क्योंकि यहां ऐसा बताया जाता है कि नागा बाबा की कहने पर, निवेदन करने पे, प्रार्थना करने पे ठाकुर जी ने रास मंडप का निर्माण किया। और घने वन में, घने जंगल में वो स्थान है, स्थल है, और उसके बाद ऊपर की पहाड़ी पर चलकर वो दर्शन आप सबको कराएंगे, क्योंकि यहाँ से पहाड़ी की ऊंचाई काफ़ी दूर है, जंगल से होते हुए निकलना पड़ेगा, रास मंडप तक पहुँचेंगे। रास मंडप का वो भाव, वो भक्ति, वो आनंद आप सब वो रस जरूर लीजिएगा, क्योंकि रास जब कन्हैया ने रस रचाया था तब सारे देवी देवता लालायित हो गए थे, सभी धरती पर उतरकर देखने के लिए आतुर हो गए थे, और स्वयं भगवान भोलेनाथ ने तो गोपेश्वर का यानी गोपी का रूप धारण कर लिया था। तो जंगल के रास्ते से निकलते हुए आप सबको ले चल रहे हैं रास मंडप, जो घने वन में, घने जंगल में है। जैसे जैसे हमारे और चेतन भाई के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसी वैसी अनुभूति ऐसी हो रही थी कि बस हम रास मंडप के करीब पहुंचकर उस अलौकिक भक्ति का भाव का आनंद ले सकेंगे। रास मंडप के लिए सीढ़ियों से होता हुआ रास्ता जाता है, आप ऊपर देखेंगे एकदम पहाड़ पर रास मंडप स्थित है, लेकिन वन जो है, जंगल जो है, वो आप सबको चारों तरफ दिखाई देगा। जंगल के बीच से ही ये सीढ़ियां निकाली गई हैं और यही यात्रा कराती हैं हमारे कन्हैया के दरबार तक, यही यात्रा ले चलती है हमारे राधा रानी के उस स्थान तक जहां पर भाव और भव्य और दिव्य अलौकिक रास मंडप का दर्शन होता है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कथाओं और कहानियों के साथ जो हमें द्वापर युग की ओर लेकर चलती हैं, हमें यथार्थ की ओर ले चलती हैं और हमें दर्शन कराती हैं कि आज भी द्वापर युग कहीं गया नहीं। आप केवल अपने मन से, आप अपने भाव से केवल स्मरण करिए तो द्वापर युग की वो सारी लीलाएं जो हमारे ठाकुर जी ने, कन्हैया ने ब्रज में की हैं, वो सब आप सबको दर्शन हो जाएगा। भले ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मन में उत्साह, उमंग भी है कि ठाकुर जी का दर्शन भी होगा, रास मंडप का भी दर्शन होगा। इन पहाड़ों में आज भी ब्रजवासी अपने ठाकुर जी, अपने कन्हैया को देखते हैं, क्योंकि गोवर्धन में इसी तरह से गिरिराज के रूप में हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया विराजमान हैं, और इसलिए उनका स्मरण ध्यान करते हैं। जब भी भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, तो वहाँ शीश नवाते हैं, जैसे लग रहा है कि गिरिराज महाराज अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। बस महाराज जी को प्रणाम और आगे केवल मन में उत्सुकता, उत्साह, उमंग इसलिए कि रास मंडप का दर्शन करें, और ये दर्शन जो है आप सब भी करते जाइए आगे बढ़ते हुए। यहाँ थोड़ा ऊपर आने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा उजाला आया है और आप सूर्यदेव को देख रहे हैं। सूर्यदेव जो है अस्त होने के लिए चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और दो एक घंटे में अस्त होंगे, लेकिन उससे पहले रास मंडप का दर्शन आप सबको कराते हैं। बस रास मंडप तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ से दर्शन आप करिए तो तलहटी का दर्शन करिए, और यहाँ मोर पक्षियों का भी दर्शन आप कर सकते हैं जो प्रतिदिन रास में शामिल होते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ मोर आपको दिखाई देंगे जो चलते हुए, वही अलौकिक दर्शन जो द्वापर युग में कभी दिखता था, वैसा ही दर्शन प्रत्यक्ष रूप से आज भी ब्रज में दिखाई दे रहा है, ब्रज के जंगलों में दिखाई दे रहा है। तो मोर जो है ठाकुर जी के पास समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि रास का समय है, अब जो है पहुँच कर जो है रास का आनंद लिया जाए। यहाँ से अगर पूरा पहाड़ देखेंगे तो एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ भी पहाड़ों से ये क्षेत्र पूरा घिरा हुआ है। दो पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ ये क्षेत्र ये बताता है कि एक तरफ राधा रानी हैं तो एक तरफ हमारे ठाकुर जी हैं, और दोनों का मिलन रास मंडप में होता है, और फिर जो है पूरी दुनिया, पूरा संसार
उस रास का आनंद लेते हैं, वो भक्ति के रस में डूब जाते हैं। तो आइए आगे की यात्रा पूरी करते हैं और रास मंडप की ओर चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं, करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं ऊपर रास मंडप तक, क्योंकि रास मंडप की अलौकिक लीला का दर्शन आप सबको करा सकें। आप देखिए घने वन से होते हुए सीढ़ियाँ गुजरी हैं, पहाड़ काटते हुए पहाड़ के ऊपर तक लाई गई हैं। आगे की यात्रा आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, उससे पहले वो पहाड़ का वो विशाल क्षेत्र देखिए, तलहटी का वो क्षेत्र देखिए जहाँ पर घने वन हैं। साथ ही ये तालाब भी देखिए जहाँ पर जल भरा हुआ है, बारिश के दिनों में यहाँ पर जल एकत्र हो जाता है। ये आच्छादित वन की तरह, घने वन की तरह ये स्थान चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा, विहंगम दर्शन है। यहाँ का दर्शन पूरा ऐसे लग रहा है कि ब्रजमंडल का दर्शन है। आगे की यात्रा बढ़ते बढ़ते हम और हमारे चेतन भाई पहुँचे तो हर एक पौराणिक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो एक ऐसा ही स्थान आया जहाँ पर ये पुराने ताखे, ये पुराना स्थान और एक गुफा सी दिखाई दी। गुफा में चल के ये पता चलता है ये देखने में कि यहाँ पर ढेर सारे, यहाँ पर भी ठाकुर जी का स्थान है, यहाँ पर भी ठाकुर जी का स्थल है और यहाँ बहुत सारे जो जीव हैं यानी चीटियां हैं उनके लिए दाने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ आकर जो है संत महाराज जी आते हैं, पूजा पाठ यहाँ पर करके जाते हैं। ये पुराना प्राचीन स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ गुफा से निकलते हुए। अब आगे की यात्रा आगे बढ़ेगी, बस रास मंडप तक आप सबको लेकर चलना है, लेकिन एक एक वो स्थान का, स्थल का दर्शन आप सबको कराना है जिससे आप सबको महसूस हो सके कि ब्रज आज भी जीवंत है, ब्रज आज भी रस से भरा है, ब्रज आज भी भक्ति से भरा है और ब्रज आज भी रास से भरा है। यहाँ प्रतिदिन नित्य जो है ठाकुर जी, राधा रानी जी रास करते हैं, उस रास का आनंद हम सब लेते हैं। एकदम पहाड़ के ऊपर हैं जहाँ से रास मंडप का दर्शन आपको कुछ ही देर में होगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर से वृक्षों का दर्शन जरूर कराएंगे। वहाँ तक पहुँच पाना तो बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन वृक्षों का दर्शन इसलिए करिए कि यही वृक्ष आपको निधिवन में मिलेंगे, यही वृक्ष आपको गोवर्धन में मिलेंगे, यही वृक्ष आपको गह्वर में मिलेंगे और यही वृक्ष आपको वर्षाना में मिलेंगे। यानी पूरे ब्रज में एक ही तरह के वृक्ष जिस पर हमारे कन्हैया जी ठाकुर जी बाल गोपाल के साथ लीला करते थे, क्रीड़ा किया करते थे। तो आइए रास की तरफ चलें, रास मंडप की तरफ चलें और रास मंडप का दर्शन करें। अब बस रास मंडप की ही तरफ पहुंचेंगे क्योंकि बहुत देर से मेरी भी इच्छा थी कि रास मंडप का दर्शन हो और यहाँ की अलौकिक लीला के बारे में जानकारी हो सके। तो यहाँ से निकल रहे हैं ऊपर, एकदम रास मंडप तक पहुँच गए हैं और यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कि सारा दर्शन, सारे लोकों का दर्शन यहीं पे है, क्योंकि रास मंडप का वो भाव और आनंद कुछ ही क्षण में प्राप्त होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर हैं लेकिन यहाँ पर भी चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, मोर के लिए हमारे ब्रजवासी यहाँ पर जो है दाना डाल जाते हैं। यानी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको महसूस होगा कि हम सब कितने ऊपर हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं और उसके बावजूद प्रतिदिन ब्रजवासी आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो दाना डाल जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं रास मंडप का दर्शन करने, जो अलौकिक है, जो अद्भुत है और जहाँ आज भी लीला होती है हमारे राधा रानी की, आज भी लीला होती है हमारे ठाकुर जी की। यहाँ ब्रजवासी आते हुए दिखाई दे गए
और पहाड़ से ऊपर होते हुए वो आ रहे थे आगे बढ़ते हुए, तो उनसे बातचीत करते हैं रास मंडप के बारे में कि क्या जानकारी है, क्या लीला है, क्योंकि इतने ऊपर ऊंचाई पर अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में? 8। 8वीं में पढ़ रहे हैं। ये रास मंडप दिखाई दे रहा है, रास मंडप की क्या लीला है? यहाँ पर राधा रानी बैठती हैं जी, यहाँ पर रास लीला होती है जी, यहाँ पर राधा रानी रास लीला संग रहती है जी, और यहाँ पर बैठ स्थान है जी, कमंडी खंड धाम में। कौन सा स्थान है? रास मंडल, रास मंडप, और ये स्थान है कदम खंडी धाम धाम, यहाँ पर रास लीला होती है, यहाँ पर बैठते हैं जी। तो यहाँ देख रहे हैं सुनील, कोई दिखाई नहीं दे रहा, संत महात्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, आसपास के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कब आते हैं यहाँ पर दर्शन? यहाँ पर आते हैं शाम को 6 बजे सब पूरे लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आज भी अनुभूति होती है रास लीला की? हाँ होती है जी। तो जैसे ब्रजवासी बता रहे हैं बाल गोपाल की, आज भी यहाँ पर अनुभूति होती है रास लीला की, तो आइए रास मंडप का दर्शन करते हैं। तो आइए आप सबको कराते हैं भव्य और दिव्य रास मंडप का दर्शन, जहां पर आज भी राधा रानी और ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। भावपूर्ण दर्शन इसी स्थान पर हमारे ठाकुर जी, इसी स्थल पर हमारी राधा रानी बैठती हैं, और रास मंडप पर बैठकर जो है सभी ब्रजवासियों को, सभी भक्तगणों को आनंद के भाव में भर देती हैं, क्योंकि आज भी नित्य यहाँ पर होती है रास लीला, और उस रास लीला का अद्भुत दर्शन आज भी यहाँ हर कोई करता है। एक बार फिर अलौकिक रास मंडप का आप सब दर्शन करिए, कितना सुंदर बना हुआ है, कितना भावपूर्ण दर्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये स्थान देखिए, ये स्थल देखिए, अब रास मंडप का दर्शन के बाद यहाँ पर भक्तगण साधकगण बैठते हैं, दूर दूर से आए हुए ब्रजवासी भी यहाँ बैठते हैं, और वो सभी जो है दर्शन करते हैं, यहाँ पर बैठकर रास मंडप का दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं रास लीला का। शाम होते ही ये पूरा वातावरण जो है एकदम भक्ति के रस में डूब जाता है। अब यहाँ से आप सबको दर्शन कराते हैं, एक तरफ जहाँ पर एकदम घने वन दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ वन ही वन दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, एकदम पूरा पहाड़ जो है वनों से, पेड़ पौधों से एकदम ढका हुआ है, एकदम चारों तरफ आपको वन ही वन दिखेंगे। तो दूसरी तरफ आप सबको यहाँ एकदम मैदानी भाग दिखाई देगा, नीचे अगर देखेंगे तो खेत खलिहान आपको दिखाई देंगे, दूर तक देखेंगे तो ये राजस्थान की पूरी सीमा है, राजस्थान के ये गांव हैं, छोटे छोटे खेत आपको दिखाई देंगे, ऊपर पहाड़ी से नीचे कितनी ऊंचाई है ये आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो एकदम खाई की तरह जो है ये आपको जंगल दिखाई देगा, और जंगल के बाद यहाँ से पूरा मैदानी भाग दिखाई देता है। इधर अगर जाएंगे तो भरतपुर जिला आपको पड़ेगा, डींग पड़ेगा, और आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ कामा यहाँ से नज़दीक पड़ता है। ये चारों तरफ जो है स्थल आप सबको मैदानी भाग दिखाई देगा, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे मकान भी कुछ दूरी पर दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी पहाड़ी भी आपको दिखाई देगी। यही ब्रज मंडल है, यही ब्रज मंडल की रेखा है, जहाँ से ब्रज यात्राएं चलती है, जहाँ से ब्रज का रस लेने के लिए, ब्रज की भक्ति के लिए पैदल ही 84 कोसीय परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे भक्तगण रास मंडप में भी आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो एक बार आप सब आइए रास मंडप में, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे का नाम लीजिए, स्मरण करिए और भावपूर्ण उस लीला में डूब जाइए। जय। नीचे उतर रहे हैं रास मंडप का दर्शन करके, अब यात्रा आगे और चलेगी, संत महात्माओं के साथ एक और वार्तालाप होगा जो आप सबको, आप सब तक पहुंचाएंगे। आप सब से भी निवेदन है, आप सब से भी आग्रह है कि आप भी आइए रास मंडप का आनंद लीजिए। ये रास मंडप भरतपुर जिले में कदम खंडी गांव में स्थित है, घने वन में। तो जब भी अवसर मिले ब्रज की अब यात्रा करें, तो आप सब भी जो है रास मंडप का दर्शन जरूर करें।